एंगुलर पोजीशन है कि जैसे सपोज करो वही सेम चीज़ है, ये स्लिट का सेंटर है ये रहा, और मान लो ये मान लो फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगुलर पोजीशन। सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। तो कैसे निकलेगी एंगुलर पोजीशन, चलो मिनिमा की निकालते हैं। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा एन लैम्डा। तो यहाँ से साइन थीटा एन लैम्डा बाई ए, पहली पहली मिनिमा, पहला मिनिमा का पॉइंट कब आएगा, जब एन की वैल्यू वन होगी। तो साइन थीटा वन क्या होगा, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, एंगल छोटे साइन थीटा वन को थीटा वन, ये पहली एंगुलर पोजीशन है, इसके यूनिट्स रेडियन में आएंगे, ये पहली एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की। तुम सेकेंड, मतलब एंगुलर पोजीशन का मतलब एंगल निकालना, तुम इसमें सेकेंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालना चाहते हो, तो एन की जगह टू, एंगल साइन थीटा छोटा है तो थीटा, ये सेकेंड पोजीशन है, ये सेकेंड एंगुलर पोजीशन है सेकेंड मिनिमा की, राइट, क्लियर है। ऐसी अगर आप मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमा की कंडीशन लिख लें, एन की जगह वन पुट कर लें, साइन थीटा वन की वैल्यू आ गई, एंगल थीटा वन लिख लें, ये पहली एंगुलर पोजीशन है मैक्सिमा की, फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन ये है। सेकेंड मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन में क्या आ जाएगा, फाइव लैम्डा बाई टू है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसने ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है एंगुलर पोजीशन का, तो अगर स्क्रीन ऐसे नहीं है, अगर आपकी स्क्रीन ऐसे है तो सेंटर का पॉइंट है, ये पहली एंगुलर पोजीशन है थीटा वन मिनिमा की, फर्स्ट मिनिमा क्या था, एंगुलर पोजीशन चेक करो, लैम्डा बाय ए, सेकंड क्या है, टू लैम्डा बाय ए, थर्ड क्या है, थ्री लैम्डा बाय ए। तो एंगुलर पोजीशन पे देख रहे हो ये क्या है, इसमें मिनिमा, और एंगुलर पोजीशन मैक्सिमा पे ये वैल्यू क्या आएगी, थ्री बाय टू लैम्डा बाय ए, ये क्या आएगी, फाइव बाय टू लैम्डा बाय ए, ऐसे थ्री बाय टू, फाइव बाय टू एंड सो ऑन। वो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, और जो पार्ट राइट पे है वही लेफ्ट पे भी है, क्योंकि एंगुलर पोजीशन ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, तो दोनों ग्राफ सिमेट्री में बनेगा, आगे भी और पीछे भी। तो एंगुलर पोजीशंस का ये ग्राफ है, क्लियर है एंगुलर पोजीशंस कैसे निकलती हैं।